बेल तरोनी पुलिस थाने के जयंती नगरी स्थित एक रिहायशी अपार्टमेंट में चल रहे ध्यय व्यवसाय का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच की सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम ने किया है। गोपनीय जानकारी मिलने के बाद छापामार कार्रवाई कर पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक पीड़ित युवती को भी छुड़ाया गया है। आरोपी के खिलाफ बेल तरोनी पुलिस थाने में पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसी जानकारी सामाजिक सुरक्षा विभाग की पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर द्वारा दी गई है। क्राइम ब्रांच के सामाजिक शिक्षा विभाग की टीम को गोपनीय जानकारी मिली थी कि जयंती नगरी 3B विंग के फ्लैट नंबर 101 में नरेंद्र नगर बेल तरोड़ी निवासी आरोपी सुबोध गोपाल वानखेड़े पैसों का लालच देकर युवतियों से ध्यय व्यवसाय करवा रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने पहले बोगस ग्राहक भेजकर तस्दीक की और खबर सही पाए जाने के बाद छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया। कल हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नवीन मनीष नगर में जयंती नगरी 3 में एक जगह पे एक आदमी जो है वो वेश्या व्यवसाय एक लेडी से करवाता है करके, तो वहाँ पे हमने धाड़ डाली और वहाँ पे हमको एक आरोपी और एक जो लड़की है, मतलब जिसको हमने रेस्क्यू किया। ये लड़की जो है, पीड़ित जो लड़की है, उसने बताया कि उसकी कोरोना के दरम्यान उसकी नौकरी गई, तो उसकी वजह से उसको उस आदमी ने बहलाया कि भाई इससे पैसे अच्छे मिल सकते हैं। तो पिछले 5-6 महीने से ये चल रहा है। इस समय उसके कब्जे से एक 27 वर्षीय युवती को भी छुड़वाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान छुड़वाई गई युवती अनाथ है। आरोपी पैसों का लालच देकर उससे ध्यय व्यवसाय करवा रहा था। इस कार्रवाई को DCP चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में सामाजिक सुरक्षा विभाग की पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर, अनिल अम्बाडे, सिपाही भूषण झाड़े, संदीप चनगोले, मनीष रामटेके, महिला सिपाही रीना जाउरकर ने मिलकर अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।